माय नेम इज सुनील बघेल और आज मैं जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसे हिंदी में अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करेंगे तो वो ये है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि एन इक्वेशन हूज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, चाहे वेरिएबल वो कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, ए टू जेड। अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो यानी कि किसी इक्वेशन के वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो इक्वेशन कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ अगर हम बात करें कि एक्चुअली हमने ये बात तो समझ ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यानी कि एन इक्वेशन हूज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो है ये ax2 + bx + c = 0। यहाँ a b और c जो है वो रियल नंबर है। अब सवाल फिर से बड़ा होता है कि रियल नंबर क्या होता है, सोचिए जरा। आप पहले इससे पहले क्लासेस में आप रियल नंबर पढ़ चुके हैं, तो अगर हम रियल नंबर की बात करें शायद आपको याद भी होगा और आप जानते भी होंगे रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर हम बात करें तो रियल नंबर या तो रेशनल होता है या इरेशनल होता है। और रेशनल रिलेशन ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर बात करें, लेकिन इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो ए की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों जीरो नहीं होती, उसका मुख्य रीजन ये है कि अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई तो हाईएस्ट पावर 2 जो वेरिएबल की है वो खत्म हो जाएगी, जिससे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर ये लीनियर बन जाएगा। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर अगर समझना चाहें तो एग्जांपल जैसे कि 3x² + 4x + 7 = 0। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है वो है क्या 2, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, डी यहाँ क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम निवृत्त कर बोलते हैं। तो डी का जो फॉर्मूला आया है d² - 4ac, ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ही निकल कर आया है, यानी कि b² - 4ac जब इस फॉर्मूले का यूज करना होगा हमें। तो अब हम अगर बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, चलिए अब सवाल आता है कि चलिए नेचर तो हम जानते हैं प्रकृति होता है, तो रूट्स क्या होते हैं। आप रूट्स भी अच्छी तरीके से जानते हैं रूट्स क्या होते हैं। तो अगर हम रूट्स के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो होती है 2। तो यानी कि ऐसी दो वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि अगर वो दो वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाता है। यानी कि हम रूट्स को जीरोज भी बोलते हैं और वो वैल्यू जो हम पुट करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो 3 नियम हैं, जो 3 रूल्स हैं जिनके आधार पर ये पता चलता है कि रूट्स रियल इक्वल है या अनइक्वल है या फिर नॉट रियल है। तो देखिए क्या है, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब कैसे इक्वल, मान लीजिए एक रूट अगर 3 है तो दूसरा रूट भी 3 होगा। यही वो कब होगा, जब हम कंपेयर करेंगे और b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तब वो जो रूट्स निकल कर आएंगे, जो वैल्यूज निकल कर आएंगे वो दोनों सेम होंगी। अब हम बात करें अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। अगर हम मान लें कि अगर रूट्स ऑफ 4 आ रहा था दूसरा 3 भी हो सकता है, यानी कि 4 नहीं हुआ। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो कोई भी रूट्स निकल कर नहीं आएगा, वो रूट्स इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, नॉट रियल रूट्स होंगे। तो ये
आप शुरुआत की बात करें तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये नेचर ऑफ रूट्स की हमने अभी बात की। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। पहले हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किन किन मेथड्स का हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, जिनके आधार पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम फैक्टर करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। और दूसरा मेथड होगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने जो पढ़ा है वेरिएबल x है, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप सारा जो आप b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम b भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b से मेंशन यहां कर सकते हैं। तो ये है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल किया जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, यानी कि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो नियम से जो आपने अभी तक हमने आपको समझाया है, ये सभी का सभी जो है वो आपके चैप्टर 5 में यूज किया जाएगा। 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3x इनटू 1 इज इक्वल टू आरएचएस पार्ट का ओपन कर लेते हैं 5 इनटू x प्लस 5 इनटू 8। तो आगे क्या है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है एंड 3 टू जा 6x इज इक्वल टू 5 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आएगा एंड 5 8 जा 14। अब जो आरएचएस की जो भी टर्म है उनको हम एलएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे, तो जब ऐसा हम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो साइन है उनका चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का 5x है माइनस का 5x हो जाएगा और जो 40 है प्लस का वो माइनस का 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो भी टर्म है उनको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 6x सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 11x हो जाएगा एंड ये माइनस का 40 है प्लस का 1 है तो हो जाएगा माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, आप देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो x है वो क्या है 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैंस गिवन इक्वेशन is quadratic equation। तो इस तरीके से ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना। अगर सॉल्व करने के बाद अगर x की पावर 2 नहीं आती है तो वो x square plus bx plus c के फॉर्म में नहीं होगा और फिर वो जो इक्वेशन आपको दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार से आपको करना है, अगर हम आपसे कहें कि जो लास्ट पार्ट है इसका, यानी कि जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, अगर हम उसे सॉल्व करते हैं कौन कौन इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, देखते हैं सिक्स्थ पार्ट है क्या है इसका। और इसी तरह हमको सॉल्व करना है सिक्स्थ पार्ट के बारे में, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसे कौन कौन सॉल्व करता है, तो समझना पड़ेगा आपको पहले कि क्या क्या हमें करना है और कैसे इसे करना है। वही प्रोसेस है, करने का एक ही तरीका है कि पहले आपको ओपन करना होगा। तो आपको फॉर्मूले तो आते ही होंगे कि आपने इससे पहले स्टूडेंट पढ़ा भी है कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो जिस जिसको फॉर्मूले याद होंगे वो इसे आसानी से ओपन कर लेगा और जिस जिसको याद नहीं होंगे उसे याद करना पड़ेगा और जो याद करेगा वो आसानी से सेव कर सकता है। अब देखते हैं कौन कौन करता है, आपके पास 2 सेकंड हैं इसे करने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ हम इसे ओपन कैसे करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ये आप सबसे पहले क्या है
ए माइनस बी का फॉर्मूला जो आप जानते हैं, जैसे कि आपने बताया बी माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लगेगा सर, तो इसे ओपन करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस, इसे भी ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू टू या फोर एक्स, इधर थ्री कप के अंदर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए सेम त्रिकोण सर्च करना है, सेम त्रिकोण एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है। अब जब क्या होता है, जब सेम साइन अगर दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स होने के साथ साथ सेम भी हो तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स वाले टर्म देखेंगे, देखिए यहाँ माइनस टू एक्स है, यहाँ प्लस का फोर एक्स है और यहाँ थ्री एक्स है, तो फोर प्लस थ्री सेवन, और इस सेवन एक्स से अगर हम 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बताइए। अगर हम 4 प्लस 3x को ऐड करें, क्यों ऐड कर रहे हैं, तो वो सेम साइन है और यहाँ जो 2x है वो अपोजिट साइन का है, तो अगर हम 4x प्लस 3x को ऐड करें और फिर ऐड करने के बाद उससे 2x माइनस करें तो कितना बचेगा बताइए, बचेगा आपका कितना, वेरी गुड, कितना बचेगा 5x। इसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है 4 है और 3, आप देख सकते हैं चार तीनों नंबर डिजिट का जो है साइन सेम है, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 0। देखिए आ गया ना, या हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2 है, इसका मतलब क्या है, सेंस इट इज of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, hence given equation is quadratic equation। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। देखिए दोनों में सेम कंडीशन, लास्ट में आपने देखा कि यहाँ पर जो एक्स का पावर कितना हाईएस्ट 2, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इज एक्स इज इक्वल टू 5 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या उसका सॉल्यूशन है। और सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, इज एक्स इज इक्वल टू 3 यानी माइनस 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्या होता है इसमें, हम क्या करेंगे, दोनों में जो करना है सेम ही करना है, लेकिन ध्यान से तो हम आराम से सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्या है ऑन substituting x is equal to minus 3 in equation क्या है आपका 2x square minus 7x plus 9 is equal to 0। देखिए क्या मिलेगा, we get हम इसके LHS part में हम रखेंगे तो 2 into x की जगह माइनस 3 रखेंगे स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 आएगा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, अगर माइनस 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 आएगा। माइनस कहाँ चला गया, क्योंकि जब इवन नंबर पावर है तो इसलिए जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, थ्री का स्क्वायर क्या होगा, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, थ्री का स्क्वायर होगा 9, 9 टू जा 18। अब देखिए प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है क्या प्लस, वेरी गुड, तो 7 थ्री जा 21 प्लस 9, हम तीनों डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 21 और 9 हो जाता है कितना 30, 30 प्लस 18 48, और 48 जो है वो RHS के इज इक्वल टू नहीं है, और जब ये RHS इज इक्वल टू नहीं है तो लिख देंगे
since LHS is not equal to RHS, hence x is equal to minus 3 is not solution of given equation. So this is the answer of question number 2, and the first part of the question 2 is same as the second part of question number 2. Clear? Now next question, the next question is question number 5. So what is question number 5? The question 5 is 3 and minus 3 are solution of 5. Let's take question number 5. If 3 and minus 3 are solution of equation ax square plus bx minus 9 is equal to 0, find the value of a and b. जो हमने question 3 और 4 छोड़ा उसमें क्या है, उसमें बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपको वैसे ही करना है. और जो हमने फोर्थ पार्ट छोड़ा, क्वेश्चन 4 छोड़ा, वो फिफ्थ की तरह है. तो फिर तो हम आपको पार्ट इसलिए बता रहे कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से आप कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं. पहला क्या है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 3 in equation ax square plus bx minus 9 is equal to 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो सॉल्यूशन दिए हैं उनमें से पहले को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट जो आपका इक्वेशन है आपका फर्स्ट, यानी कि ax square, यानी कि a into 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, आपके समझ में आया कि हमने क्या किया, x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. जब किया तो 3 का होल स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू a 9a, 3 इंटू b 3b, माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे. कैसे कॉमन लेंगे, देखिए 3 कॉमन जो हम लिया, इधर बचा 3a, इधर बचा b, इधर बचा 3 इज इक्वल टू 0. क्योंकि तीनों में कॉमन था इसलिए हमने 3 ले लिया. अब इस 3 का हम डिवाइड कर देंगे तो बचेगा आपके पास 3a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3a, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, तो दूसरी सॉल्यूशन जो आपको मिला है माइनस 3, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि नाउ अगेन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to minus 3 in a given equation, in given equation we get, क्या मिलता है, जब ये इक्वेशन आपका था तो उसमें हम रखेंगे तो क्या आएगा, a into minus 3 का होल स्क्वायर प्लस b into माइनस 3 इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0. हमने आपको बताया कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो आप सोचिए जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर हमने किया था 9, तो वैसे ही माइनस 3 का स्क्वायर भी होगा 9, और 9 इंटू ए 9a प्लस इंटू माइनस माइनस 3b एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 कॉमन है. चलिए 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने पर बचेगा 3a माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो फिर हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो 3a माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब क्या है, ये है आपका इक्वेशन नंबर
टू, तो जो वैल्यू ऑफ बी है, जो इक्वेशन वन में की जो वैल्यू ऑफ बी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन टू में। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे? ताकि हमारी ए की वैल्यू यहां से निकल सके। चलिए करते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन टू, क्या मिलेगा हमें? वी गेट 3a माइनस, बी की वैल्यू क्या है? 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 3a, यानी कि 3 माइनस 3a, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3a माइनस 3 प्लस 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3a और 3a है वो ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 6a, और जो आपका माइनस 3 और माइनस 3 है वो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। 6 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 6a इज इक्वल टू 6, 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 का डिवाइड आप करेंगे तो आएगा 1। तो ये हो गई आपकी a की वैल्यू, हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, फ्रॉम 1 क्या आएगा a की वैल्यू जो आपकी है वो आएगी, अगर हम यहाँ a की b की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 3a, तो b इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, b इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 3, यानी कि b इज इक्वल टू आएगा आपका आंसर 0। इस तरीके से आपकी ये a और b की वैल्यू निकल कर आ गई, और ये आपकी एक्सरसाइज 5a फिनिश होती है। हमने आपको पहले बता दिया है कि जो जो सिमिलर है वो आपको छोड़ दिए हैं, और बिल्कुल ऐसे ही होंगे, और इस तरह से आप 5a एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा।